और थाना कुआई का कारनामा हम आपको बता रहे हैं कि वृद्धा को हटा के कब्जा दिलाया दूसरी पार्टी को, मामला हम आपको बताते हैं। जबकि इससे पहले जो प्रधान था उसने भी रामवती के नाम पट्टा करा था 2012 में, और इस वक्त मौजूदा जो प्रधान है उसने भी रामवती को ही स्वीकार किया कि इन्हीं का था पट्टा। और इसी बीच पुलिस ने थाना पुआय के इंस्पेक्टर ने आपको बता दें कि थाना पुआय के इंस्पेक्टर ने इस बात को नकार दिया, पुलिस ने कब्जा लिया जाकर उसको रामवती को हटाया, लेकिन उनका यह कहना था इंस्पेक्टर का कि नहीं पुलिस ने नहीं हटाया। हम आपको आगे सुन पाएंगे दूध का दूध पानी का पानी, लेकिन आपको हम विस्तार से बताते हैं कि वहां के दरोगा की कार्यशैली किस प्रकार है। रामवती पीड़ित परेशान होकर रो रो कर रामवती ने कहा ये दरोगा आप देख रहे हैं बाखूबी, इन्होंने क्या करा, कितनी डिमांड रखी, क्या कुछ करा, हम सुनवाते हैं। करा तुम्हारा ही लल्ला हमारा दरोगा ने अंदर सिपाही ने करा दिया। क्यों? कब्जा हटवा के कोतवाल ने रुपया मंगाए हैं 10,000 जल्दी से दे, इसके बहनोई के भैया ने उसका नाम है देखो उसका नाम गुना ध्यान आओ इंद्रपाल। अच्छा हाँ, तो दरोगा ने कुछ पैसे लिए? पैसे लिए। कितने लिए? 3,000 रुपए हमसे लिए। और कितने मांग रहे हैं? और मांग रहा कहते हो सही देखो पूरे 12,000 रुपए। और जब हमने इस मामले में पुआय के इंस्पेक्टर के मोबाइल नंबर 94 44 42 17 पर फोन करके विस्तार से मालूमात करी तो उनका ये कहना था नहीं किसी ने कब्जा नहीं हटाया, उसका कब्जा था ही नहीं। हेलो हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया, खान रिपोर्टर शाहजहांपुर से बोल रहे हूँ। जी भैया, तो ये प्रेमवती का एक मामला है, रामवती का मामला है एक आपके एरिए में। कहाँ का ये है, कौन सा गाँव जरा? हरना हरना ओम प्रकाश, ओम प्रकाश वो डिस्प्यूटेड जगह का मामला वो। हाँ वो भाई साहब वो विकलांग है जो जिसको ये कह रही है ना। हाँ वो सामने वाला बहुत ही बड़ा विकलांग है, उसके दोनों पैरों से चलने फिरने की असमर्थ है, वो वहाँ पर रहता है। ठीक है उसी को ये कहती है कि वहाँ से हटा दिया जाए। नहीं इनका ये कहना है इनके पति का पैरा लाइसेंस है, ये इनका कब्जा था ऑलरेडी, शैलेंद्र ने हटा दिया किसी ने कुछ नहीं हटाया, वो पिछले कई सालों से वहाँ पड़ा हुआ है, नहीं हटाया, वो पिछले कई सालों से वहाँ पड़ा हुआ है। और जब हमने इस मामले में आपको बता दें कि थाना पुआय के ग्राम हर्रा नगला के प्रधान धर्मेंद्र कुमार के मोबाइल नंबर 99 18 45 29 75 पर जब फोन करके जानकारी लेना चाहिए कि कब्जा किसने हटाया, तो प्रधान का क्या कहना था आप खुद ही सुनिए। प्रधान जी हाँ, थोड़ी सारी तकलीफ देंगे आपको, एक बात हमें ये पूछना थी कि ये ओम प्रकाश पुत्र तोताराम का कब्जा कितने समय से था? अरे ये जगह कम से कम भाई साहब 20 साल पहले ना, जैसे रघुनंदन और जो दो तीन लोग हैं इनकी बहन होंगी कोई, उनकी बहन ने इन्हें दी थी जगह, इन्हें दी थी ओम प्रकाश को। हाँ अच्छा। और जो इनकी बहन ने जो जगह दी थी तो इनका पता नहीं कब्जा कब इनका मिला, लेकिन कोई लिखा पड़ी कुछ नहीं, लेकिन अब वो बहन इनकी कह रही है कि हमने नहीं इन्हें दी। नहीं नहीं, हमारा जो मकसद है वो आप नहीं समझ रहे, इनका कब्जा कितने समय तक रहा, आज की डेट में इनका कब्जा था, पुलिस ने हटाया या इन्होंने खुद हटाया? नहीं वो पुलिस ने ही इन लोगों को हटवाया है। अच्छा। वो पुलिस ने ही इन लोगों को हटवाया है। सुना आपने थाना पुआय के इंस्पेक्टर की कार्यशैली, जबकि दूध का दूध और पानी का पानी हमने करा दिया और दिखा भी दिया। आपको बता दे रामवती परेशान है, दौड़ रही है, लेकिन इस बीच में उसके आगे डिमांड रखी गई है पैसों की, वो भी हमने आपको सुनवाया कि कितनी डिमांड रखी, ये हम दिखा रहे हैं लिखित जो कि प्रधान धर्मेंद्र ने दिखाया है कि 20 साल से रामवती का कब्जा था, लेकिन इंस्पेक्टर और दरोगा और शैलेंद्र सिपाही ने जो आतंक और हाहाकार मचाया इस वृद्धा के साथ वो अपने आप में एक निंदनीय घटना है। आपको बता दें पीड़ित दर दर भटक रही, लेकिन कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है, और प्रधान तब ये कहना है कि सालों से ये यहीं रह रही है, लेकिन इंस्पेक्टर पुआय की कार्यशैली जो भी थी वो आपके सामने है। आपको बता दें कोतवाली पुआया के अंदर क्या हो रहा है, इंस्पेक्टर की कार्यशैली कैसी है, वो सब आपके सामने। कुल मिला के इन हालातों में अब देखना यह है कि पीड़ित को कहां तक न्याय मिले। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल